तो हाँ जी, कैसे हो आप सारे? होप करता हूँ कि आप सारे एक नंबर होने वाले हो। तो आज मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर। आज की रेसिपी टोटली वेज रेसिपी होने वाली है और ये बच्चों की, यार मतलब ये मान के चलो कि सबकी फेवरेट रेसिपी मानी जाती है। ये आज अपने बनाने वाले हैं आलू रोल। घर पे कोई फालतू हसल नहीं करनी इस आलू रोल बनाने में, बिल्कुल मार्केट से बहुत अच्छा ही बनेगा ये रोल। तो इस रेसिपी को पूरा देखना, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करो यार। तो चलो देखते रहो। सब्सक्राइब टू सनी वधवा एंड हिट द बेल आइकन। तो चलो आलू रोल की जो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने 4 से 5 बॉईल मतलब उबले हुए आलू लिए हैं। वेजिटेबल्स के अंदर मैं लेने वाला हूँ थोड़े से स्वीट कॉर्न, मटर, गाजर, टमाटर और शिमला मिर्च और प्याज। धनिया मैं लेने वाला हूँ टेस्ट के लिए, थोड़ी सी हरी मिर्च। जो स्पाइसेस में यूज करने वाले हैं, सबसे पहले मैं यूज करने वाला हूँ जीरा, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और थोड़े से चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो। या नहीं है आपके पास तो मत लेना, कोई इशू नहीं है। तो देखो सबसे पहला स्टेप अपनों ने क्या करना है। तो आलू रोल के लिए जो अपने वेजिटेबल्स कट करेंगे ना, तो वेजिटेबल्स ध्यान रखें कि बिल्कुल फाइन चॉप ही हो। अनियंस है, आप तो चाहे चॉपर्स में भी इसको चॉप कर सकते हो, नहीं तो आप इसको हाथ से बहुत इजीली चॉप कर सकते हो। बस एक बात का ये ध्यान रखना है कि जो अपने अनियंस हैं वो बिल्कुल ही ज्यादा फाइन चॉप हो, ताकि अपने जब उनको सोते करें तो ये ज्यादा टाइम ना लें। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने अपने प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और गाजरों को अच्छे से फाइन चॉप कर लिया है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि अपनी जितनी भी वेजिटेबल्स है ना, वो सारी फाइन चॉप रहे। अपने कोई भी स्टफिंग बनाते हैं आलू की या एग की, कोई भी अगर अपने स्टफिंग बना रहे हैं ना, तो उसमें बस एक चीज का यही ध्यान रखना है कि जितनी वेजिटेबल्स होंगी पतली उतनी ही स्टफिंग अच्छी बनेगी। सबसे पहले मैं एक पैन ले लूंगा, पैन के अंदर थोड़ा सा मैं सरसों का तेल डाल दूंगा। तेल ज्यादा ना डालना, उतना ही डालना बस, जिससे अपनी वेजिटेबल्स अच्छे से सोते हो सके। तेल को थोड़ा गर्म होने दीजिए। जब आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके अंदर मैं डाल दूंगा थोड़ा सा जीरा और जो अपने फ्रोजन मैंने स्वीट कॉर्न और मटर लिए हैं वो। इनको हल्का सा सोते कर लेंगे। फिर मैं इनके अंदर डाल दूंगा जो अपनी वेजिटेबल्स थी, जो अपनों ने वेजिटेबल्स कट की थी सारी वो वाली। वेजिटेबल्स को कम से कम भी मैं 5 या 7 मिनट के लिए अच्छे से सोते होने दूंगा, ताकि इनका जो कच्चापन है वो सारा निकल जाए। तो एक बात का जरूर ध्यान रखना कि जो वेजिटेबल्स है ना, उनको ज्यादा सोते नहीं करना, मतलब बिल्कुल उनका कच्चापन नहीं निकालना। जब अपने इसके अंदर पोटैटोस डालेंगे मतलब आलू डालेंगे ना, तो आलू के साथ ये मिक्सर ऐसा जाना चाहिए कि हल्का हल्का मतलब क्रंचीनेस सब्जियों का आना चाहिए, तभी आपको इस आलू स्टफिंग का मजा आएगा। तो जब तक अपनी वेजिटेबल्स सोते हो रही है ना, तब तक मैं अपने आलू को अच्छे से पील कर लेता हूँ। मैंने इनको बॉईल करके रख लिया था, मैं इनके सारे छिलके उतार दूंगा। तो अब आलू छीलने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि आलू को कद्दूकस करने वाला हूँ अपनी स्टफिंग के अंदर, ताकि जो आलू है वो अच्छे से मैश हो जाए। सारे आलू को अच्छे से इसमें कद्दूकस करने के बाद मैं अच्छे से सारी स्टफिंग को मिक्स कर लूंगा। तो प्रेस कर करके मिक्स करें, ताकि जो अपने पोटैटोज हैं वो अच्छे से थोड़े से पक जाए और अच्छे से उनके ऊपर सारा मसाला लग जाए। तो अपनों ने स्टफिंग बनाने के बाद मैं मैदे की रोटी लेने वाला हूँ, ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। मैं इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से तवे पे पका लूंगा। थोड़ा थोड़ा मैं इस पे घी लगाऊंगा ताकि अच्छे से पक सके। जब ये रोटी भी अपने ऐसे बबल से आने लग जाए तो समझ लेना कि रोटी अपनी पक गई है। मैं फटाफट अपनी दूसरी रोटी भी पका लेता हूँ। आप चाहो रोटी तो घर पे भी बना सकते हो मैदे की, उसकी रेसिपी भी मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। तो हाँ जी, तो देखा कि आपने आलू रोल घर पे बनाना कितना ही ज़्यादा इजी है। और मैं आपको
110% कह सकता हूँ कि ये मार्केट से ज़्यादा अच्छा होगा और मार्केट से ज़्यादा हेल्दी होगा। तो इस रेसिपी को प्लीज़ अपने घर पे बना के देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना कि आपकी ये रेसिपी घर पे कैसी बनी और इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। वीडियो को फिर कह रहा हूँ, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फैमिलीज मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करो यार। तो चलो मिलेंगे अपने एक नई वीडियो के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।